हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हार्ट सोल एंड स्टाइल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि पर्पल में जो सेल चल रही थी उसमें काफी कुछ खरीदा था। मैंने पार्ट वन शेयर कर दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ आई बटन में भी आई विल प्रोवाइड द लिंक। अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, काफी अच्छा हॉल है। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उस हॉल में एंड सब अफोर्डेबल रेंज के हैं, बिलो 500, एंड दे आर प्रीटी गुड। इस वाले हॉल में मैं शेयर करने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैंने पर्पल से ही खरीदे थे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो मैंने ली है ये स्टे कोकी की फाउंडेशन। ये कुछ ऐसी दिखती है, मैंने इसको ट्राई किया था बट सच बोलूं तो ये मुझे बिल्कुल भी इसकी कवरेज नहीं लगी। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है वॉटर लगाया है, बिल्कुल ही कुछ कवरेज नहीं है। आई हैव नॉट अप्लाइड इट ऑन द फेस, बट मैंने हैंड पे अप्लाई करके देखा था तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि जैसे फाउंडेशन लगाई है। इट लुक्स लाइक कि जैसे पानी है, कलरफुल पानी है, दैट टू जैसे ही आप रब करोगे इट वैनिशेस। सो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है ये वाली फाउंडेशन। नेक्स्ट मैंने लिया है पर्पल की फाउंडेशन कंसीलर एंड कॉन्टोर स्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग, हाउ क्लासी इट लुक्स। मैट ब्लैक कलर की स्टिक है एंड आई रियली लाइक्ड इट। इतना क्रिएटिवली ये किया है, आप नीचे से प्रेस करते हो एंड आपको प्रोडक्ट नीचे बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट मैंने फाउंडेशन के पर्पज से मैंने ये वाला शेड लिया है। मैंने दो खरीदी है पर्पल की स्टिक्स, एक मैंने फाउंडेशन के हिसाब से ली है, द अदर वन आई हैव परचेज्ड इज फॉर कॉन्टोर। ये कुछ ऐसा कॉफी सा कलर है। नेक्स्ट अगेन मैंने ली है फाउंडेशन स्टिक्स NYBAE की, अगेन वन फॉर कॉन्टोर, कुछ ऐसा सा कलर है। द शेड नेम इज टोस्ट, द अदर वन आई हैव इज दिस कलर विच इज गोल्डन शेड। मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये लगी, आप देखिए इसमें, आई डोंट नो अगर आप देख सकते हैं, कुछ व्हाइट व्हाइट सा लगा है। आई विल सैनिटाइज इट प्रॉपरली, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट, आई हैव नॉट यूज्ड इट येट। तो ये मुझे लगा कि ऑल्दो प्रॉपरली पैक्ड होकर आई थी, बट स्टिल ये मुझे थोड़ा सा लगा कि वाई द प्रोडक्ट इज हैविंग समथिंग लाइक दिस ऑन इट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज ये दो कॉम्पैक्ट, एक पर्पल का है एक NYBAE का है। जो NYBAE का है वो काफी मिसमैच लगा मुझे अपने स्किन से, आई विल गिव इट टू समवन जिसकी शेड जो है ये सिमिलर हो, एंड द अदर कॉम्पैक्ट आई हैव इज ऑफ पर्पल। नेक्स्ट मैंने लिया है मस्कारा, ये लोटस का एक मैंने मस्कारा लिया है। इट इज मैक्स लैश बोटानिकल मस्कारा, वाटर प्रूफ है, वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा है। तो ये मैंने एक लिया, आई हैव नॉट यूज इट येट, एज यू कैन सी पैक्ड अप पूरा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये बेला का मस्कारा, मैंने आज यूज किया है, मुझे काफी अच्छा लगा, कुछ ऐसा सा दिखता है एंड फ्रैंकली मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट, कुछ ऐसा सा इसका वॉन्ड है। नेक्स्ट कमिंग टू द काजल्स, आई एम अ काजल लवर, तो मैंने कुछ अफोर्डेबल काजल्स में इन्वेस्ट किया है, आई हैव परचेस्ड फ्यू। तो फर्स्ट मैंने जो लिया है ये NYBAE का है, अगेन वेरी अफोर्डेबल काजल, ये कुछ ऐसा सा दिखता है, आई हैव नॉट यूज्ड इट येट। ये कुछ ऐसे ही आप ट्विस्ट मैकेनिज्म वाला काजल है, तो ये मैंने एक लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन बेला का, अगेन इट इज पैक्ड येट टू यूज। नेक्स्ट मैंने एक लिया है फेसेस कैनेडा का, अगेन यूज नहीं किया है अभी तक, आई हर्ड रियली गुड रिव्यूज अबाउट दिस। एक मैंने लिया है स्टे क्वर्की का बैडेस काजल, मैंने यूज नहीं किया है बट आई रियली लाइक द पैकेजिंग, काफी क्रिएटिवली इसको डिजाइन किया गया है, सो ये मैंने एक लिया है। एक मैंने लिया है लोटस का इको स्टे काजल, तो ये भी मैंने ट्राई नहीं किया है, काजल्स अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए हैं, तो ये मैंने एक लिया है। एक मैंने NYBAE का काजल लिया है, मेरे पास इसमें ब्लू एंड व्हाइट शेड है एंड आई थिंक ग्रीन शेड इज ऑल्सो देयर। मुझे उनकी पिगमेंट काफी अच्छी लगी थी तो मैं ये ब्लैक में भी ट्राई करना चाहती थी, तो मैंने ये ब्लैक में भी मंगाया है। नेक्स्ट कमिंग टू द आई लाइनर्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं तीन आई लाइनर। द फर्स्ट वन इज ये स्टे क्वर्की का बैडेस आई लाइनर, ये कुछ ऐसी पैकेजिंग है, अगेन आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ इट, काफी क्रिएटिवली काफी कलरफुल सी बनाई है, ये कुछ ऐसा लगता है। एक मैंने लिया है ये एम्स्टरडैम का लाइनर, ये मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा बिकॉज मैंने जो ऑर्डर किया था वो मैट ग्रीन शेड किया था, द वन आई हैव रिसीव्ड इज एंड इट इज ग्लॉसी एंड बिल्कुल भी पिगमेंटेड भी नहीं लग रहा है ये।
तो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन ग्लॉसी आईलाइनर है एंड ये मुझे एक उन्होंने जो भेजा है, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर द मैट वन, इट इज काइंड ऑफ यूजलेस फॉर मी। जो थर्ड आईलाइनर मैंने ऑर्डर किया है वो है ये NY बे का आईलाइनर, अगेन लिक्विड लाइनर है। नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज ये स्टेक वर्की का लिक्विड इल्यूमिनेटर। मेरी फ्रेंकली कुछ अलग एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोडक्ट से, बट इट इज काइंड ऑफ दिस। ये थोड़ा स्पार्कली है एंड मैंने ट्राई किया था, मुझे ये काफी फेक सा ग्लो लगा इसका, मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा है, मैंने ये लिया है शुगर का पैलेट, कॉन्टोर डिफॉर्स फेस पैलेट, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, कॉन्टोर भी है, कॉन्टोर शेड भी है आपके पास, हाइलाइटर भी है एंड आपके पास ब्लश भी है। तो ये मैंने एक लिया है, काफी अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने ये। दिस वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज ऑफ दिस हॉल, अदर देन दैट सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिलो 500 ही हैं। मैं काफी टाइम से ये लेना चाह रही थी पैलेट, तो ये मैंने एक लिया है। नेक्स्ट कमिंग टू द आईब्रो पेंसिल, ये मैंने एक ली है NY बे की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन, कुछ ऐसी सी लगती है, ब्राउन शेड है इसका। तो मैंने ये ट्राई नहीं की है बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर आईलाइनर, ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का द कोलोसल लाइनर, ये स्टिक लाइनर है, कुछ ऐसा दिखता है। मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी आप लोगों से कि हैव यू गाइज ट्राइड इट, बिकॉज मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने बहुत पहले, आई थिंक 6-7 ईयर्स पहले आई हैड इट एंड द पैकेजिंग वॉज डिफरेंट। आई एम नॉट श्योर ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है। आई डोंट नो पैकेजिंग में चेंज हो गया है या मुझे फेक प्रोडक्ट मिला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द लिपस्टिक्स, लिपस्टिक के बिना कोई भी मेकअप कम इनकम्प्लीट है। मैंने बेला के कुछ लिप क्रियॉन्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने 5 शेड्स लिए हैं, मैं उनके स्वाचेस आपको दे देती हूँ। मैंने ये यूज भी किए हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, काफी पिगमेंटेड है, काफी अच्छा स्टे भी है। ऑल दो आप कुछ खाओगे इट विल वॉश अवे, बट द बेस्ट थिंग इज दे आर अंडर 100, बट स्टिल ये बिल्कुल भी ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो ये एक शेड है, दिस इज ब्यूटिफुल न्यूड शेड, एक ये शेड है एंड दिस वन एज वेल, ये भी काफी प्रिटी शेड है। एंड द लास्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर। तो ये मैंने कुछ लिप क्रियॉन्स लिए हैं। नेक्स्ट मैंने ये ब्लू हेवन का मैट लिप कलर लिया है, ये काइंड ऑफ न्यूड ब्राउन शेड है, कुछ ऐसा सा है, लिक्विड लिपस्टिक है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे थोड़ी एसिडिक लगी, अदर देन दैट ठीक है, मतलब बट इसका स्टे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बार ट्राई करी है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ हाईलाइट शेड फॉर योर लिप्स। अगर आप लिपस्टिक लवर हैं तो आप इसको कोट कर सकते हैं आप किसी अच्छी लिपस्टिक के ऊपर, अदर देन दैट अगर आप अकेले लगाएंगे तो ये काइंड ऑफ ऑफ लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने अप्लाई किया है, तो पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है मेरे लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है ये NY बे का रनवे मैट लिपस्टिक विद आगन ऑयल। मैं ये वाली जो रेंज है NY बे की, उससे कोई लिपस्टिक ट्राई करना चाह रही थी तो मैंने ये लिया है। फर्स्ट ऑफ लुक एट द पैकेजिंग, इट्स सो प्रिटी, गोल्डन रॉयल सा इसका लुक है। तो मैंने जो ट्राई किया है वो काइंड ऑफ ऐसा डार्क ब्राउन शेड है, आई थिंक कैमरे में इट इज लुकिंग मोर ऑफ अ रेड कलर बट इट इज एक्चुअली अ डार्क ब्राउन शेड। तो मैंने ये एक लिपस्टिक ली है। अगेन मैंने एक लिप क्रियॉन लिया है विच इज ऑफ एम्स्टरडैम, आई एम्स्टरडैम। सो ये एक न्यूड पिंक काइंड ऑफ शेड है एज यू कैन सी, काफी प्रिटी है ये भी। मेरे लास्ट प्रोडक्ट्स स्टेक वर्की की ये दो लिपस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ये स्टेक वर्की की मिनी लिपस्टिक, एज इस रेंज से मैंने मिनी लिपस्टिक एक न्यूड कलर पहले भी ट्राई आउट किया है, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए एक सेकेंड प्रोडक्ट मंगाया है, ये काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सा पिंक शेड, काफी प्रिटी शेड है ये। एंड द शेड नेम इज
कलर गोल्स 5, द अदर वन इज ये स्टेक वर्की की, ये वाली किस एंड टेल रेंज से मैंने ये मिनी लिपस्टिक ट्राई आउट करने के लिए मंगाई है. तो ये काफी प्रिटी कलर है, न्यूड काइंड ऑफ शेड है, पैकेजिंग भी काफी रॉयल है इसकी. ऐसा सा कुछ इसका एप्लीकेटर है तो काफी कंफर्टेबल होता है ऐसे एप्लीकेटर से लगाना. ये देखिए काफी प्रिटी कलर है इसका. स्टेक ऐसा है, मैंने ट्राई नहीं किया है, बट ये वाली जो लिपस्टिक है इनका स्टेक काफी अच्छा है, बट ये काफी ड्राइंग है आपके लिप्स पे. दिस वॉज इट फ्रॉम माई पर्पल हॉल. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा, एंड अगर पसंद आए तो यू नो इट, लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा. एंड आप अपने रिव्यूज भी शेयर कर सकते हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी यूज कर रखा होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल कि इनमें से कौन सा आपके लिए वर्क किया, कौन सा आपके लिए वर्क नहीं किया. अदर देन दैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं कि वॉट एल्स यू वुड लाइक टू सी इन फ्यूचर. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेते हैं एंड आई विल अनाउंस अ गिव अवे आफ्टर दैट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अदर देन दैट आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वैसे मेरा इंस्टा हैंडल इज हार्ट सोल एंड स्टाइल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.